It's your birthday. Happy birthday, Vajia. Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, Mina. Happy birthday, too. Thank you. उफ, इतने सारे बर्थडे विशेस. थैंक यू को कॉपी कर लेती हूँ, जिसका भी मैसेज आए पेस्ट कर दूंगी. सो आज है मेरा बर्थडे और हम बाहर बर्थडे करने जा रहे हैं, तो मैं हो गई हूँ रेडी. अभी तो दोपहर के 2-3 बज गए हैं, फिर हम घर से निकल गए हैं बर्थडे करने. जब मैं मुझे बर्थडे करने का बहुत शौक है, जब मैं छोटी थी तो मैं एक साल में दो बार बर्थडे करती थी, लेकिन अब एक बार साल में एक बार भी करो तो लोग बुरा मान जाते हैं. खैर, सानू की केक हमने जाते हुए रास्ते में ही ले लिया था, और हम जा रहे थे थुरगू. वहाँ पर सुना था कोई व्यू पॉइंट है, तो वहाँ जा रहे थे. पहले कटपना का प्लान था, फिर सोचा कटपना तो हज़ार बार देखा हुआ है, तो चलते हैं थुरगू. लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं बहुत पछताई. वहाँ पर एक पूरा पहाड़ था, उस पर चढ़ना था, और मुझे हाइट से बहुत डर लगता और सांस इतना फूल रहा था, हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बस. लेकिन व्यू वाकई में बहुत प्यारा था. जब वहाँ पहुँचे तो बहुत मज़ा आया. अल्लाह अल्लाह करके हम पहाड़ पर पहुँचे. मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मुझे ऐसे पहाड़ वाली जगह बिल्कुल नहीं पसंद है. इवन कि मैं कभी खरपोचो नहीं गई हूँ. खैर, हम पहुँचे और मैं रास्ते में ऐसे छुरी लेके जा रही थी. जो भी मुझे देख रहा था वो मुझे देख कर डर रहा था कि पता नहीं ये लड़की क्या करने आई है. वैसे हम छुरी भी ले जाना भूल गए थे, रास्ते में किसी सब्जी वाले से ली हुई थी ये छुरी. और फिर हम वहाँ पहुँचे. पहुँचने के बाद इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, सांस इतना फूल गया था, हालत इतनी ख़राब थी. जल्दी से पहुँचते साथ ही बस जल्दी से केक काटा बर्थडे की. एक मिनट. हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? फिर हमने केक शेक काटा, चीज़ें वगैरह खाई, और जब हम नॉर्मल हो गए, हमारी धड़कने धड़कना इतने ख़तरनाक रास्ते से आने के बाद जब हम नॉर्मल हो गए, तो हमने थोड़ा इंजॉय किया, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई. व्यू बहुत प्यारा था, लेकिन मेरा मोबाइल सस्ता वाला है ना, तो इतना प्यारा नहीं आया. यार मैं कैसे आऊँ? और फिर हमने सुना कि आगे कोई बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है, तो हम वो देखने के लिए जा रहे. और उसका रास्ता बहुत ख़तरनाक था, बहुत पतली सी लाइन थी, उसी में चल के जाना था. खैर, हम गए वाटरफॉल देखने, और वाटरफॉल वाकई में बहुत प्यारा था. वाटरफॉल बहुत ज़्यादा प्यारा था, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत बहुत ठंडा था. बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पर. और फिर बहुत सारा इंजॉय और घूमने के बाद हमारे अभी घर वापस, और घर आने के बाद भी हम मम्मा खाना बना रही, मेरी तो जिंदगी ख़त्म हो गई थी. सो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग. वहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन घर वापस आने के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई थी. इतना सारा चलने के बाद, और ख़ासतौर पर चढ़ाई पे, एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद तो हालत क्या होती है आप सबको पता ही होगा. सो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की बर्थडे कब आती है, और आप लोग अपनी बर्थडे मनाते हो या नहीं मनाते. मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको तो पता भी नहीं होता कि उनकी बर्थडे है कब, उनको अपनी बर्थडे ऐड करने पता होता. तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की बर्थडे कब आती है. एंड देन नेक्स्ट डे हम खाला लोगों के घर ईद मिलने गए, और वहाँ जाने के बाद हम मामा फास्ट फूड गए. उनका बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है. सो हम वहाँ गए, हमने बर्गर वगैरह खाया, और फिर हम आ गए घर वापस. सो गाइस, ये था एक छोटा सा ब्लॉग. अगर आप लोगों का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.